यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कक्कड़ जैनी है। मैं सातवीं कक्षा वल्लभी से आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहती हूँ। सोने की चिड़िया अब तो ना बनना, सोने की चिड़िया अब तो ना बनना, तुझे आज का कोई नूर बनना है। 21वीं सदी को भारतीय सदी बनाकर ऐ भारत तुझको आत्मनिर्भर बनना है, तुझको आत्मनिर्भर बनना है। सुप्रभात आदरणीय ट्रस्टी सदस्य, प्रधान आचार्य, निर्णायक गण, शिक्षक गण, अत्र उपस्थित वालीगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय को उजागर करने जा रही हूँ जो हमारी सोच को, हमारे देश को प्रगति की एक नई राह दिखा सकती है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, अपने व्यक्तित्व, अपनी संस्कृति, अपने विचारों को अपनाना ही आत्मनिर्भरता है। एक देश अपने संप्रभुता की रक्षा तब तक नहीं कर सकता जब तक वह आत्मनिर्भर ना हो जाए, जब तक वहाँ के लोगों की सोच आत्मनिर्भर ना हो जाए। जो दूसरों के पैरों पर खड़े होते हैं उनका तो पृथ्वी भी स्पंदन करती है। दोस्तों, यदि हम सिर्फ प्रकृति पर निर्भर होते तो क्या आज मोबाइल की खोज हो पाती? राम सहायक उनके होते, राम सहायक उनके होते जो होते हैं आप सहायक। जी हाँ दोस्तों, आज हमें स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करके इसका प्रचार गर्व से करना है और वैश्विक बनाना है। गांधी जी का स्वदेशी स्वरूप अपनाना है। आत्मनिर्भर भारत के पंच स्तंभों की स्थापना में हमें अपना पूर्ण योगदान देना है। आत्मनिर्भरता आयातों को बंद करने में नहीं बल्कि खुद की चीजों को सस्ता और बेहतरीन बनाने में है, जिन्हें लोग स्वेच्छा से खरीदे। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो आत्मसात हो, ऐसा भारत कि जहाँ स्वदेशी ही विज्ञान हो, हर चीज में देसी महक विद्यमान हो, जिसके स्थानीय धर्म का जगत में गुणगान हो। आत्मनिर्भर भारत बनाने का अर्थ है जय जगत की संस्कृति पर वसुधैव कुटुंबकम के संकल्पना से वैश्विक प्रगति में अपना योगदान देना, विश्व गुरु के पद पर भारत का सफलता हासिल करना, कर का पैसा घर ही में रहना। जब दुनिया इस महामारी में लड़ रही होगी तब अपना भारत आपदा का अवसर बनाकर आत्मनिर्भरता की सीढ़ियां चढ़ रहा होगा। हमारा संकल्प और विराट हो रहा होगा। हमें एक ऐसी क्रांति लानी है जिससे आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत का निर्माण हो सके। भारत कृषि से लेकर तकनीक तक सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। पहले हम लोग केवल सुई बनाते थे, रुई बनाते थे, मगर आज हम लोग रॉकेट बना रहे हैं, चांद और मंगल तक चक्कर लगा रहे हैं। और जो दुनिया हमें मदारियों और सफेरों का देश कहती थी, अरे भारत के बेटे बेटियां आज वो दुनिया चला रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। और यह सही भी है कि 9 मई को 3000 जातियों वाले 1,38,00,000,000 लोगों का इतना बड़ा देश आखिर दूसरे देशों पर क्यों निर्भर रहे? भारत लगभग 190 देशों को 75,000 तक वस्तुएं पहुंचाता है और 6,000 तक वस्तुएं भारत में मंगवाई जाती है। बस हमें इन 6,000 वस्तुओं के विकल्प भारत में बनाने होंगे। हमें यह नहीं सोचना है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, बल्कि हमें यह सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भारत में ही बनाए गए हैं। याद रखिए दोस्तों, भारत का हित आत्मनिर्भर होने में ही है। अतः आज से अपना यह प्रण होगा, ना कोई आश्रित दूसरों पर चयन होगा। स्वदेशी अपनाएंगे, खुद को बेहतरीन बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, खुद को बेहतरीन बनाएंगे, तब अपना आत्मनिर्भर भारत होगा, तब अपना आत्मनिर्भर भारत होगा। अब मैं कुछ पंक्तियां सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। उच्च गुणवत्ता का सामान देश में ही बनाना है। हम सबको
की वस्तुओं के लाभ बताना है, अर्थव्यवस्था में सबको भागीदारी निभाना है, हम सबको यथासंभव स्वदेशी ही अपनाना है, मोदी जी का सपना सच कर दिखाना है। मोदी जी का कहना है कि लोकल को